नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर जांजगीर से। नवीन जिले के डबरा में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने अथवा 2500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। यह वादा उन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाकर किया था, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात वो अपने वादों को भूल गए और न ही युवाओं को रोजगार दे पाई और न ही बेरोजगारी भत्ता। ऐसे में छत्तीसगढ़ का युवा, जिन्होंने सरकार को भरोसा करके वोट दिया था, वह युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आक्रोशित है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। कांग्रेस सरकार को अपनी जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार न देने की स्थिति में हर माह 2500 रुपये भत्ता के हिसाब से विगत सत्ता प्राप्ति का वादा का प्रत्येक माह का भत्ता देना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा चंद्रपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता युवाओं की आवाज़ बनकर मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दे, अन्यथा हम सब विधानसभा के युवा 24 अगस्त को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है अभी छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी जनता के हक की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और चाहे लड़ाई सड़क की हो या कहीं की भी हो, हमेशा आगे रहती है। चूँकि 4 वर्ष हो चुके हैं इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार को, और युवाओं को जो इन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, वो 10,000 पे आ चुकी है। 2500 रुपये भत्ता का कहीं अता पता नहीं है। किसी युवा को पूछेंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। इसी तारतम्य में पूरा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में अनेकों कार्यक्रम कर रहा है, अनेकों लड़ाई लड़ रहा है। इसी तारतम्य में आज विधानसभा में युवा मोर्चा के द्वारा तहसील घेराव और एक ज्ञापन के माध्यम से भूपेश बघेल जी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी उक्त घोषणा पत्र में आपने वादा किया है उसे निभाइए, वरना हम सीएम हाउस घेराव करके आपकी निकम्मी सरकार को उखाड़। आज चंद्रपुर विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार ने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाया था कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे और ना दे पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोनों ही काम छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आक्रोशित है। इसलिए युवाओं की आवाज़ बनकर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में आंदोलन कर रही है। इसके बाद हम जिला में आंदोलन करेंगे, कचहरी चौक जांजगीर में आंदोलन करेंगे, और इसके बाद 24 अगस्त को प्रदेश स्तरीय हमारा 1 लाख युवाओं के द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने वादा खिलाफी के कारण। देखिए, कांग्रेस सरकार को 3.5 साल हो गए हैं, और सत्ता में आने से पहले इन्होंने एक जन घोषणा पत्र निकाला था जिसमें हर वर्ग के लिए उन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे। ऐसा ही वादा उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं से भी किया था रोजगार देने का, और रोजगार ना दे पाने की स्थिति में 2500 रुपये भत्ता देने का। लेकिन आज 3.5 साल हो गए हैं, ना ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना ही भत्ता मिल रहा है, और पूरे प्रदेश के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आक्रोशित हैं, और उन्हीं के द्वारा आज इस सरकार को हम लोग का आंदोलन है चेतावनी देने के लिए कि होश में आ जाए सरकार और अपने जो भी वादे हैं उनको या तो पूरा करे, या यहाँ का पूरे प्रदेश का युवा अब तैयार है उनका सामना करने और इस सरकार को बदलने के लिए। आज उसी तद्वान में पूरे ज़िले में हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हमारे चंद्रपुर विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा ये आंदोलन और धरना हुआ था। इसमें हमारे जिला के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल जी, हमारे प्रभारी प्रखर मिश्रा जी, हमारे सभी मंडलों के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनकी पूरी युवा मोर्चा की टीम, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी युवा हैं सब यहाँ पे उपस्थित हैं, और उनके द्वारा आज हमने तहसील में ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और जितने भी वादे कांग्रेस सरकार ने किए आज तक एक भी पूरे नहीं किए। केवल युवा ही नहीं, यहाँ महिला हो और बुज़ुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, हर वर्ग को इस कांग्रेस सरकार ने ठगा है। आज अधिकारी कर्मचारी अपनी हड़ताल पर हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएँ अपने हड़ताल पर हैं, युवा अपनी हड़ताल पर हैं, हमको लगता है कुछ दिन बाद बच्चे भी हड़ताल करने लगेंगे इस सरकार के खिलाफ। ऐसी स्थिति है इस सरकार की जो बहुत ही दुखद है इस पूरे प्रदेश के लिए।